हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ गोहत की दाल, जिसे यहाँ पे कुल्थे की दाल भी कहा जाता है। मैं इसे दो तीन दाल मिक्स करके बना रही हूँ। अगर मैं इसे अकेले सिर्फ कुल्थे की दाल या गोहत की दाल को अकेले बनाऊँगी तो ये छरछरी हो जाएगी, मतलब पानी अलग और दाने अलग, इसलिए मैं इसमें एक दो दाल मिक्स करके बना रही हूँ। देख लीजिए फ्रेंड्स, मैंने टमाटर वगैरह सब काट लिया है, हरा धनिया टमाटर, और ये दाल भिगो के जो रखी थी वो भी अलग पानी से अलग कर दी है और अच्छे से वॉश कर दी है। अब मैं इसे बनाने जा रही हूँ। कुकर चढ़ा दिया है और ये गरम हो रहा है। अब मैं इसमें तेल डालूंगी, तेल मैं थोड़ा ही डालूंगी, और फिर ये जब तेल गरम हो जाएगा उसके बाद हम इसमें जीरा, हींग और टमाटर, हरी मिर्च डालेंगे। हम प्याज नहीं खाते हैं, मतलब नो ऑनियन नो गार्लिक, क्योंकि हम प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, इसलिए मैं सिर्फ इसमें टमाटर और हरी मिर्च ही डालूंगी। तेल गरम हो चुका है, अब इसमें हमने जीरा डाला, थोड़ा सा हींग डाला, फिर इसको हमने कटा हुआ टमाटर डाला और कटी हुई हरी मिर्च डाला और हम इसे अच्छे से हिला लेंगे। जब तक ये थोड़ा मैश होता है, मतलब गर्म होता है इसमें, देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमने टमाटर हरी मिर्च डाल दी है। अभी अच्छे से हम हिला रहे हैं और जब तक ये थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का गलने लग जाएंगे तो हम इसमें अपने स्वाद अनुसार थोड़ा सा, इसमें जितना आप खाते हैं उतना उसमें नमक डालेंगे, थोड़ी सी इसमें हल्दी डालेंगे। हमने ऑलरेडी इसमें हरी मिर्च काट रखी है तो हम इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे, क्योंकि हरी मिर्च से भी मिर्च का टेस्ट आता ही है, इसलिए हम इसमें फिर थोड़ा सा धनिया पाउडर डालेंगे और फिर थोड़ा सा हम इसमें गरम मसाला डालेंगे और फिर हम इसको हिलाएंगे और इसे अच्छे से हम थोड़ी देर के लिए गलने के लिए टमाटर को छोड़ देंगे, इससे डाल ताकि टमाटर हमारे अच्छे से गल जाए। फ्रेंड्स, ये मेरे टमाटर अच्छे से गल गए हैं और अब मैं इसमें अपनी भीगी हुई दाल डालूंगी। फिर मैं इसको इसमें टमाटरों में इस दाल को मैश करूंगी अच्छे से, ताकि ये टमाटर और दाल का मिक्सअप हो जाए अच्छे से। फिर मैं इसमें पानी डालूँ, इसमें पानी डाल दिया है। अब मैं इसे ढक के 4 से 5 सीटी लगाऊंगी। अब मैंने दाल पहले भिगो रखी थी 1-2 घंटा पहले, तो इसलिए मैं इसमें 5 सीटी लगा रही हूँ। अगर दाल आपने भिगो ही नहीं है और आप करंट में बनाना चाहते हैं तो इसमें 8 सीटी या 7 सीटी लगेगी। देखिए फ्रेंड्स, मेरी दाल ये बनके तैयार हो गई है और मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये पूरी गल चुकी है अच्छे से। अब मैं इसमें हरे धनिए से गार्निश करूँगी। Get the PR. Yeah, so my plan is that. So when I apply for my PR after 6 years, will working in NC1 give me a disadvantage over a nurse who was looking at NHS? अभी गर्मा गर्म दाल खाने को तैयार।